हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर होने वाला ये विद कंसेप्ट। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में कराऊंगा, ट्रिक बताऊंगा और मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो डायरेक्टली वही आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, अगर आता है तो, और आपको डायरेक्टली वो ट्रिक कर देना है। समझे कुछ मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो फिक्स होते हैं, उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होते हैं और पेपर में वही आएगा। अगर आता है क्वेश्चन तो उसमें कुछ आपको लगाने को नहीं, कोई जरूरत नहीं है। उसको आप याद कर दीजिए कि इस फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है, क्योंकि लगाने के हमारे पास टाइम नहीं है। तो थोड़ा सा समरी हम जान लेते हैं कि कंटिन्यूस किसी पॉइंट पे, अगर मान लीजिए किसी एक्स इक्वल टू ए पे कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, उसके क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, वो क्या क्या फॉलो करेगा तो कंडीशन होगा। कुछ फंक्शन फिक्स होते हैं कि वो आर पे कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो चलिए उन्हीं सब चीज़ों को हम समरी के रूप में जान लेते हैं और कुछ एक दो एग्जांपल कर लेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन जाएंगे और जो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा, अगर उसमें से पक्का है कि एक दो क्वेश्चन आपको कंटिन्यूस का मिल सकता है, ठीक है। और भी मैं इसका पार्ट्स ले आऊँगा, टेंशन ना लीजिए कि मैं 10-12-20 क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ तो बस हो गया। नहीं, अभी हमें बस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इस चैप्टर को, ऐसे पढ़ना है आपको। इस तरह क्वेश्चन आएगा, धमाका तो अब होगा जब हम क्वेश्चन डेली करवाएंगे, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। थोड़ा सा बस थोड़ा सा एक दो दिन की बात है, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट जरूर करो यार, कमेंट कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिए। चाहे आपको जो अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, कुछ भी करिए, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हमें सजेशन दीजिए, लेकिन आप कमेंट जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत लोगों की हेल्प हो सके। ऐसा नहीं है कि वीडियो शेयर कर दोगे तो उसका नंबर ज़्यादा आ जाएगा, आपका नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत बेकार भावना है ये लड़कों के अंदर, बहुत ये बेकार, मतलब क्या बोले, ये बहुत ज़्यादा ही ये भावना है कि मतलब एक कोई वीडियो देख लिया ना, कोई लेक्चर देख लिया, अच्छा देख लिया तो वो सोचता है कि नहीं 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 हम शेयर कर देंगे उसको, उसको भेजेंगे ना, वो देख लेगा तो हमसे ज़्यादा नंबर पा जाएगा। नहीं 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 ऐसा ना करेंगे हम, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे को हेल्प करें जैसे हम कर रहे हैं, आप लोग सब लोगों को बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी, ठीक है। चलिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको एएसटी फैन क्लब का लिंक मिलेगा और आज वीडियो अपलोड होने वाला है कि कैसे मैकेनिक्स को हम प्रिपरेशन करें, अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। मैकेनिक्स को सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं, तो कोई नहीं, हम कभी रियल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए रिएक्शन में लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, चैप्टर 4-5 जो भी होगा आपका होगा। पिछले वीडियो में अभी तक आपने पार्ट 1 इसका नहीं देखा है तो उसमें लिमिट्स और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, कुछ फंक्शन के क्वेश्चन जो बनने वाले थे उसको बताया गया आपको। आई बटन मिलेगा, प्लेलिस्ट बनाया गया। अरे यार तुम एएसटी पर जाओगे ना, परेशान ना हो, हर चीज़ का प्लेलिस्ट है। जैसे तुम आपको एयर रियल एसिस का, अलजेब्रा का, मैकेनिक्स का, हर चीज़ का प्लेलिस्ट है। आप यूट्यूब पर सर्च करके जाके देख लो, ठीक है, तो उसमें जाके आपको प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की, समरी हम थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है यूट्यूब पे ये चैप्टर, तो मैं आपको थोड़ा सा के पॉइंट बता देता हूँ, उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे पास अफेक्स है वो किसी पॉइंट ए पे कंटिन्यूस है तो क्या कंडीशन होना चाहिए। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए होता है तो हम कहेंगे एक्स बराबर ए पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल एक देता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर जीरो पे क्या मिल रहा है, वो 1 मिल रहा है। इस फंक्शन को आपसे पूछा जाए कि एट एक्स बराबर जीरो पे क्या ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है। तो ये डिफिनेशन आप सिंपली अप्लाई करके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहां पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स। अच्छा ये डायरेक्टली लिमिट का रिजल्ट मैंने लिखवाया था, एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है, 1 होती है, 1 आ गया। चलिए इसके ये तो आपने पोर्शन निकाल लिया, अब एफ ए क्या होता है, अब एफ ए का मतलब एफ ए एफ जीरो पे क्या डिफाइंड है, 1। देखिए दोनों इक्वल आ गया ना, एफ ए भी इक्वल आ गया, इस डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है, एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो की वैल्यू सेम दोनों आ गई। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन जो है एक्स बराबर जीरो पे क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है।
कंटिन्यूस के लिए बहुत से डिफिनेशन है, दो तीन डिफिनेशन है कि हमें वो सब चीज़ ना पढ़ना है, हमें बस क्या करना है, हमें बस सिंपल ट्रिक जानना है कि पेपर में कैसे करें। अब जो सामने है पहले उसको देखो, हम बाद में देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। ग्राफ अगर आपको आता है ना, ग्राफ से भी अच्छे से कंटिन्यूस चेक कर सकते हो किसी पॉइंट पे। चलिए, आपने इस डिफिनेशन को पढ़ा, उस पर आपने एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल देख लिया। जल्दी से इसको नोट डाउन कर, मैं इसको रब कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, एक्चुअली देखिए क्वेश्चन इसका मेथड टू देखिए। आपने एक देख लिया कि किस किस पॉइंट ए पे चेक करना हो, एग्जांपल देख लिया। अब देखिए, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हाँ, मतलब उसका लेफ्ट और राइट लिमिट, देखिए एक चीज और है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट जो आएगा वो फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फाइनाइट। फाइनाइट होने के साथ साथ वो एफ ए के इक्वल हो। क्या हो? एफ ए के इक्वल हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, अगर कोई ऑप्शन आपको चेक करना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन ये है, ये अप्लाई करना। अब कैसे अप्लाई करेंगे इसको मैं बाद में अभी बताऊंगा क्वेश्चन। इस पर कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। थर्ड नंबर देखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो आर पे कंटिन्यूअस होता है। देखिए इस पर एग्जांपल देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये आर पे किसी भी पॉइंट ए बराबर ले लो, ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन आप इस तरह का भी हो सकते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन आप बीएससी सेकेंडरी में जानते ही होंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन किसे कहते हैं। हाँ, तो पॉलिनोमियल फंक्शन आर पे कंटिन्यूअस होता है, एक दो पॉइंट नहीं, आर पे कंटिन्यूअस होता है, टोटल आर रियल लाइन पे। क्वेश्चन नंबर फोर ऐसी फोर देखिए, फोर नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इनका एड सम, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जैसे साइन कॉस, टेन कॉसी कॉट, हाँ सेक, इन दोनों का सम प्रोडक्ट जो भी होगा वो आर पे कंटिन्यूअस होगा। किस वक्त होगा? ऑन आर। सेट ऑफ रियल नंबर पे क्या होते हैं? ये कंटिन्यूअस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉटिक जो भी होते हैं, वो सब आर पे कंटिन्यूअस होते हैं। और कांस्टेंट फंक्शन की बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए कोई एफ एक्स इक्वल टू थ्री है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है इसको, है ना, कुछ भी रखेंगे ये थ्री आता है x इक्वल टू, तो ये भी r पे कंटिन्यूअस होता है। उसके बाद x के पावर n, एफ एक्स इक्वल टू x के पावर n फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ये भी r पे कंटिन्यूअस होता है। किस पर कंटिन्यूअस होता है? सब ये नोट कर लो, बहुत काम आने वाला है, ये r पे कंटिन्यूअस होता है। अब देखिए e के पावर ax, इसमें एक और ऐड कर लीजिए, सेवन नंबर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू e के पावर ax, ये भी क्या होता है? सेट आर पे कंटिन्यूस होता है, इसमें कहीं दिक्कत इसको नहीं है। तो आई होप आप समरी में देखिए, इस समान चीज़ें छोटी चीज़ें आपको बताई गई हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। हाँ, ये कंटिन्यूस अगर सिंपल चेक करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इक्वल टू एफ, पहला एग्जाम्पल देखा आपने, लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट पे। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं आर पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पे कंटिन्यूस होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन आर पे कंटिन्यूस होते हैं। एक्स के पावर एन, ये भी क्या होगा? आर पे कंटिन्यूस होगा। सेवन नंबर ई के पावर एक्स क्या होगा? ये भी आर पे कंटिन्यूस होगा। अब देखिए, मैं आपको ग्राफ की बात करें तो ई, अगर मान लीजिए यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अब ग्राफ में कैसे देखते हैं? ग्राफ उसको आप ड्रा करो तो कहीं वो रुके ना, नेवर रेक। अब देखिए ई के पावर एक्स का ग्राफ आपको याद होगा, बचपन में पढ़ा होगा, ऐसे कुछ होता है, ये कहीं रुक रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। तो अगर ग्राफ अगर आपको अच्छे से आता है, आपको समझ में आता है, ग्राफ मैं अभी नहीं बता सकता, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो अगर ग्राफ अगर आपको अच्छे से आता है तो उस ग्राफ में ये आपको रोकना है, देखना है, सॉरी रोकना नहीं, देखना है, देखना ये है कि वो ग्राफ कहीं रुके ना, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, तो क्या कहते हैं? वो कंटिन्यूस होगा। जैसे ई का पावर एक्स, देखिए कहीं दिक्कत इसको नहीं है, तो ये आर पे क्या होता है? ऑन आर पे कंटिन्यूस होगा। क्या होगा? आर पे कंटिन्यूस होगा। तो कुछ चीजें फिक्स होती हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ई का पावर एक्स, हाँ इनका सम प्रोडक्ट डिवाइड जो भी होगा, ये सब आर पे कंटिन्यूस होंगे। समझ गए? चलिए अब आपको एक मैं एग्जांपल करवाता हूँ, लेफ्ट और राइट लिमिट को कैसे चेक करना है, तो उसको देखते हैं। तो अभी आपका काम यह है, इसको नोट डाउन करिए, फिर ठीक है, फिर हम नेक्स्ट इसका इस पर एग्जांपल एक कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट और डिफिनेशन देखेंगे। तो एक क्वेश्चन में लेफ्ट राइट लिमिट पे कैसे एग्जिस्ट करता है कि एग्जिस्ट नहीं करता है,
उसको मैं करवा देता हूँ, बाकी मैं एमसीक्यू को थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप्स आप जो कंटिन्यूटी है उसको बता दूंगा, हो सकता है डिफिनेशन पूछा जा सकता है, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, उसको करवाने के बाद मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करूंगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है एक्स इक्वल टू 2 के पावर 1 बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 पर 0, 8x बराबर 0 पर हमें क्या करना है, चेक करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू, क्या करते हैं, हम बताया था एच टेंस टू 0 करेंगे और 0 माइनस एच करेंगे जब हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, तो किस पॉइंट में निकाल रहे हैं, 0 पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, अब जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स है वहाँ 0 माइनस एच कर दीजिए, तो 2 के पावर 1 बाई 0 माइनस एच। अब आपको क्या करना है इसमें, अब इसकी लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस एच आएगा। अब ये नीचे इसको डिनोमेटर में आप लाओगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 ये 1 बाई में आ जाएगा 1 बाई एच। तो जब यहाँ वैल्यू इसकी रखोगे तो क्या मिलेगा आपका, ये 0 मिलेगा। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 प्लस एच रखेंगे क्योंकि राइट लिमिट निकाल लें तो 0 प्लस रखेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 के पावर 1 बाई 1 प्लस एच, यहाँ पर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा जब वैल्यू रखोगे तो। अब हमारा एफ 0 इज इक्वल टू क्या दिया है, एफ 0 इज इक्वल टू 0 दिया है। तो अगर एक्स बराबर 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होता तो जो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो एफ 0 के इक्वल होने चाहिए थे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया हुआ है, 0 आया हुआ है, राइट हैंड लिमिट इनफाइनाइट आया, ये 0 आया हुआ है, तो कहाँ इक्वल है, इक्वल है, सब तीनों इक्वल हैं, नहीं इक्वल हैं। अगर ये इक्वल तीनों होते तो ये क्या होता, ये फंक्शन क्या होता, कंटिन्यूस होता एक्स बराबर 0 पे। समझ में कुछ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है। तो यहां पर आपने देखा कि राइट लिमिट इसका क्या कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, समझ आ रहा है, राइट लेफ्ट मतलब अगर कोई फंक्शन एक्स बराबर ए पे कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए होता है ना, डेफिनेशन इफ नॉर्मली इफ कंडीशन है। उसमें यह भी बोला गया था लेफ्ट और राइट लिमिट फाइनेटली एग्जिस्ट करना चाहिए, बट इस राइट लिमिट इसका फाइनेटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इनफाइनेट आ रहा है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि ये फंक्शन एक्स बराबर 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। देखिए एमसीक्यू में क्वेश्चन कराऊंगा, इतना मैं साल वोल्व ना कराऊंगा, आपको दिख जाएगा। अब आपका काम है, यह डिफिनेशन दोनों डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया ना, आपका काम है उस डिफिनेशन को अप्लाई करना, ठीक है। और कुछ फिक्स फंक्शन है जो उसको मैं रिजल्ट है वो मैं बताऊंगा, वो आपको ऐसे ही याद कर लेना, आएगा तो उस क्वेश्चन पढ़ेंगे, और भी जो क्वेश्चन बनेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। अभी हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, मिक्स डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, हाँ फर्स्ट काइंड ऑफ जंप डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते, हो सकता है उस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके, ठीक है। आइए डिफिनेशन देखते हैं, डिसकंटिन्यूटी किसी पॉइंट ए पे अगर डिसकंटिन्यूटी चेक करना है और टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होते हैं। तो आइए हम डिसकंटिन्यूटी के बारे में जानते हैं, डिसकंटिन्यूटी यानी आपने कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूस एक्स बराबर ए पे पढ़ लिया, अब हम जानेंगे कि डिसकंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं। अगर कोई फंक्शन है फंक्शन एफ सब्जेक्ट एस टू आर एस सब्जेक्ट ऑफ आर इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस एट एक्स बराबर ए, इफ ना ओनली इफ वो कंटिन्यूस नहीं होगा उस पॉइंट पे, सिंपल उल्टा समझिए, कंटिन्यूस एक किसी पॉइंट ए पे तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपका जो मेथड है चेक करने का वही है डिसकंटिन्यूस वाला। इसमें से आप टाइप्स आप डिसकंटिन्यूटी देखेंगे तो रिम्यूबल डिसकंटिन्यूटी देखिए, रिम्यूबल डिसकंटिन्यूटी अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी हैव रिमूवल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स बराबर ए इफ लिमिट एक्स बराबर ए एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ए,
मतलब ना डिसकंटिन्यूटी तो मतलब होगा लेकिन लिमिट की वैल्यू उसकी और एफ की वैल्यू इक्वल नहीं होती है तो उसे रिमूवल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर जीरो पे। देखिए इसकी लिमिट जब आप निकालोगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए पे साइन एक्स बाई एक्स तो क्या आएगा, वन आएगा, और एफ जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो है। एक्स बराबर जीरो पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, क्या है, डिसकंटिन्यूस है एक्स बराबर जीरो पे। और किस टाइप का है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, क्या है वो फंक्शन, क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। एक्स बराबर जीरो पे तो डिसकंटिन्यूस नहीं है, जब कंटिन्यूस नहीं होगा तो ऑब्वियस है डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अगर वो उसका जो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल ना है, ठीक है, ये कंडीशन हो करता है तो उसे हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। देखिए ये इसलिए बताया जा रहा है कि हो सकता है ऑप्शन में आपसे ये पूछा जाए, हाँ कोई फंक्शन दे दे, पूछा कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, हाँ ये पूछा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है, हाँ इससे पूछे, इसलिए बताया जाए। क्वेश्चन नंबर डिफिनेशन नंबर टू, जंप डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूस फर्स्ट काइंड, इसको ये भी बोलते हैं, या फिर सेट टू बी जंप डिसकंटिन्यूटी एट एक्स बराबर ए इफ उसके लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एग्जिस्ट करेगा विदाउट बीइंग इक्वल। मतलब कभी भी अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है उसका लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन वो इक्वल नहीं होगा तो उसे हम बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी, हाँ उसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूस फर्स्ट काइंड, क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस फर्स्ट काइंड, अगर उसका लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल ना है तो। सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा, कंटिन्यूस का पूरा एकदम कहते हैं ना कि पूरा काला चिट्ठा सब कुछ ओपन हो जाएगा। अब इतना चीज़ आप पढ़ लेते हैं तो आप एमसीक्यू में क्वेश्चन आपको कोई छूटने वाला नहीं है। तो एग्जांपल दे सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, एक बार मैंने बता दिया आपको, लेस देन इक्वल टू एक्स होता है, मतलब या तो एक्स होगा या तो एक्स से छोटा होगा। और देखिए एक्स बराबर जीरो पर पूछा गया है कि ये फंक्शन के बारे में, कंटिन्यूस के बारे में, तो जो इसका राइट हैंड लिमिट है वो जीरो आएगा और लेफ्ट हैंड लिमिट है वो माइनस वन आएगा, एफ जीरो रखोगे तो जीरो आएगा। तो ये देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो ये क्या है, जंप डिसकंटिन्यूटी है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बराबर जीरो पे, और इसे डिसकंटिन्यूस फर्स्ट काइंड भी बोलते हैं। कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू सेट ऑफ इंटीजर पे वो कंटिन्यूस नहीं होती है, बाकी हर जगह वो कंटिन्यूस होता है। ऑप्शन में मैंने क्वेश्चन डाला है, देखिएगा। चलिए वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, ठीक है। वह नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं, नेक्स्ट डिफिनेशन हमारा है थर्ड है, मिक्स डिसकंटिन्यूटी, या फिर इज सेड टू बी मिक्स डिसकंटिन्यूटी एट एक्स बराबर ए इफ वन ऑफ द लिमिट, या तो उसकी राइट लिमिट या तो उसकी लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट एंड अदर डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब दोनों में से कोई लेफ्ट और राइट लिमिट में से कोई न कोई एक डज नॉट एग्जिस्ट कर जाता है उसे मिस डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं उस पॉइंट पे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, साइन वन बाई एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो पे जीरो आ रहा है, इसका लेफ्ट लिमिट क्या आएगा, जीरो आएगा, बट इसका राइट लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है तो हेंस जीरो इज मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी होगा। समझ में आया, मिक्स डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब क्या हुआ, उसका लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों में से कोई एक डज नॉट एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे उस पॉइंट को बोलेंगे तो क्या है, मिक्स क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। फोर्थ देखिए, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, फर्स्ट काइंड आपने देख लिया था, अब सेकेंड काइंड देखिए, ना तो उसका राइट लिमिट एग्जिस्ट करे और ना ही लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करे, मतलब दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो, एग्जिस्ट ना करे तो हम कहते हैं कि वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। एग्जाम्पल देखिए, एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, एक्स नॉट जीरो, एक्स बराबर जीरो पे वन, एट एक्स बराबर जीरो पे चेक करना है, इसका देखिए ना तो राइट लिमिट एग्जिस्ट करेगा, निकाल के आप चेक कर सकते हैं इसको, ना ही राइट लिमिट इसका एग्जिस्ट करेगा और ना ही लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, हेंस जीरो इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है। तो ये कुछ रहे, एक और बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन देखिए हमारा फाइव नंबर है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी,
इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी पॉइंट पे आपसे कंटिन्यूटी पूछा जाता है या कंटिन्यूस पूछा जाता है, तो अगर वो कंटिन्यूस नहीं होता, डिसकंटिन्यूस होता है, तो अगर उस पॉइंट पे वो फंक्शन ही क्या है, अनबाउंडेड है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, अनबाउंडेड मतलब वो फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। देखिए, अब एक्स इज सेड टू बी एन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट एक्स बराबर ए इफ एफ एक्स इज अनबाउंडेड इन एवरी नेबरहुड ऑफ ए। हाँ, उसके हर नेबरहुड में क्या हो बाउंडेड हो, अनबाउंडेड हो, क्या हो, अनबाउंडेड हो, तो एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स लेते हैं, हैज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट एक्स बराबर जीरो पे। एक्स बराबर जीरो पे ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। हाँ, तो इस टाइप के जो भी फंक्शन होंगे वो हमारा इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा एक्स बराबर जीरो पे। तो इस वीडियो में हमने कंटिन्यूटी के पूरा जो काला चिट्ठा होता है सब कुछ जान लिया, मतलब कंटिन्यूस क्या होता है, हाँ, किस पॉइंट कैसे आपको चेक करना है, कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है, दो मेथड मैंने बताया, लेफ्ट राइट लिमिट से बता दिया आपको, किस पॉइंट पर लिमिट रख के या उसके एफ की लिमिट बराबर होनी चाहिए, कौन कौन से फंक्शन फिक्स होते हैं जो कंटिन्यूस होते हैं आर पे भी आपने जान लिया, डिसकंटिन्यूटी क्या होता है और किस पॉइंट पे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, उसके सारे पार्ट्स जान लिए आपने, उसके आपने सारे एग्जांपल देख लिए। तो इस वीडियो में हम क्या करते हैं, बस इतना ही रखते हैं, ये समरी कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाएगा इस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो एमसीक्यू आएगा, वो होगा कंटिन्यूटी का एमसीक्यू। तो वीडियो चार ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें कंसेप्ट रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक 20 या 30 क्वेश्चन हम कंटिन्यूटी के करेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूटी लाएंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन लाएंगे। आपने पूरा ये आपको करना क्या है, ये जो इस वीडियो को देख के अपना कंटिन्यूटी का जो कंसेप्ट है ना उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपको अराइज होंगे और बनेंगे, कैसे चेक करते हैं कंटिन्यूटी, कैसे लेफ्ट राइट लिमिट एग्जिस्ट करवाते हैं, सब कुछ आपने इस वीडियो में जान लिया। नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, एमसीक्यू क्वेश्चन का धमाकेदार एकदम, उसमें से पेपर में आपको मिलेगा, अब करके आपको दिखाऊंगा, जो फिक्स क्वेश्चन होंगे, रिजल्ट्स होंगे, वो भी आपको बताया दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूटी लिमिट एंड कंटिन्यूटी का पार्ट थर्ड आएगा, और पार्ट थर्ड में केवल हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन, चाहे 20 क्वेश्चन हो चाहे 30 क्वेश्चन हो, इस वीडियो में यहाँ पर कंसेप्ट में ही इसको हम रखते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय।